हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आज हम हैं खोड़ोहजा स्टेडियम में, जहां हम लोग का पैरा एथलीट का ट्रायल हो रहा है। तो मैं अभी सीट पे बैठ गया हूं, ट्रेनिंग चेयर के सीट पे, और बेल्ट टाइट से बांध लिया है ताकि गिरे ना, और चेक कर रहा हूं मजबूती से बांधा हुआ है कि नहीं, नहीं तो गिरे तो दिक्कत होगा। मैंने शॉर्ट फुट का अभी थ्रो किया है, 4 kg का 2 थ्रो मिला था हम लोग को ट्रायल में, और उसके बाद डिस्कस थ्रो किया 1 kg का। तो शॉर्ट फुट का अभी लेंथ देखा जा रहा है, और अभी हमने डिस्कस का थ्रो किया है, और इसके बाद जैवलिन का थ्रो था। बस यही थ्रो, 3 थ्रो हम लोग का था, पैराथलिक के हिसाब से 3 थ्रो मिलता है, तो वो 3 थ्रो कर लिए हैं, शॉर्ट फुट, डिस्कस और जैवलिन। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम खोड़ोहजा का अंदर का। तो ये सामने एथलेटिक पिच है, और बीच में फुटबॉल ग्राउंड भी है, तो यहाँ पे गेम्स होते हैं फुटबॉल का, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से हम निकल के आपको दिखाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे क्यों मैं क्यों इतना स्लो स्कूटी चला रहा हूँ। तो आपने मेरी पहली वीडियो में देखी होगी कि मैं ऐसा स्कूटी फिर एक बार चलाया था। तो अभी हम स्कूटी पे है फिलहाल 4, पहले 5 थे, अभी 4 हैं। ये वहाँ स्टेडियम से जीत आया हुआ था बाहर से, तो इसको थोड़ा ड्रॉप करने के लिए थोड़ा आगे बता दें। और हम अभी पहुँच चुके हैं लिबरविल। तो ये देखिए लिबरविल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू आता है, और बर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर बर्ड्स रहते हैं यहाँ पे। मैं कभी आके आपको लिबरविल का पूरा अच्छा से व्यू दिखाऊंगा, क्या क्या है, कैसा है। और अभी तो हमें कुछ और ट्रैक किया है, हम जा रहे हैं कहीं और, आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ तक चलिए हमारे साथ, और रास्तों का मज़ा लीजिए। यहाँ का व्यू मैं कुछ दिखाऊँगा रास्तों का, और ये लिबरविल का फिलहाल व्यू देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत। और ये लिबरविल क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, साइड से बाहर ही पहाड़ है। और यहाँ पे लिबरविल से आने तक का जो रोड है, उसमें 2 व्यू पॉइंट आता है, जहाँ से नदी का व्यू बहुत अच्छी सुंदर आता है लिबरविल नदी का। एक व्यू पॉइंट ये है, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, जो यहाँ पे यहाँ से व्यू पॉइंट आता है, और एक आगे है वहाँ पे व्यू पॉइंट। और यहाँ पे प्लांट है रानी का, यहाँ पे पेप्सी, कोका कोला सब कुछ का यहाँ पे बनता है, पानी का जो भी सप्लाई होता है सप्लाई होता है। और हम अभी पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे, याद नहीं है ये हम लोग का रोड क्रॉस कर लिया, बहुत ही रास्ता ख़राब था, थोड़ा सा रॉन्ग वे जाके हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं टिकट टाउन। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे व्हील चेयर एक्सेसिबल पार्किंग अवेलेबल है, और एक्सेसिबिलिटी भी बहुत है अच्छी तरीके से टिकट टाउन। तो चलिए चलते हैं अंदर, और हमारे एक दोस्त हैं जो ज्वाइन था, तो वो अभी आ रहे हैं व्हील चेयर से, साथ में चलेंगे। और ये टेंट का प्राइस 13,000 दिखा रहा है, तो एक टेंट हमें भी लेना था, देखते हैं। और ये अंदर का व्यू है, यहाँ पे सब स्पोर्ट्स आइटम ही रिलेटेड आइटम मिलते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। और ये साइकिलिस्ट साइकिल्स भी हैं, हम जो चीज़ देखने के लिए आए थे अपने, तो वो चीज़ तो हमें मिली नहीं, बहुत ढूंढा, पर बाकी बहुत सामान मिल गया। तो यहाँ से बस हम निकल रहे हैं, बाय बाय डिकैथलॉन, तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम हैं जालुकबारी में, और यहाँ पे हमें एक चुके हैं ट्रेन, जिन्होंने हमें पीछे से आवाज़ लगाई, वो आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए बाहर से तमिलनाडु से। तो उनका इंट्रोडक्शन हम अलग से लेंगे, लेके आपको बताते हैं उसका व्यू क्या है। और यहाँ से हमने उनको बोला कि हम आपको लिफ्ट दे देते हैं आगे तक, तो वो वॉकिंग और हिचाइकिंग करते हुए आए हैं आसाम तक, अभी गुवाहाटी में है। तो उनको हमने बोला थोड़ा सा चलिए आगे तक छोड़ देते हैं आपको हम भी, तो अभी हम उनको बाबरी मैदान तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भोलोमुख के पास, और यहाँ से भी अच्छा व्यू दिखने वाला है ब्रह्मपुत्र रिवर साइड का, तो उनको दिखाते हुए निकल रहे हैं। तो व्यू देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर का साइड का है, तो कैमरा में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मैं बाद में आराम से दिखाऊंगा। तो अभी हम आ चुके हैं दिग्लीपुरी पार्क के पास, यहाँ से गुजर रहे लगता पार्क के बगल में, पार्क का व्यू साइड से, पार्क का अंदर का भी नज़ारा मैं कभी दिखाऊंगा आपको अंदर जाके, तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पार्क कैसा है कैसा नहीं है, आप लोग आ सकते हो नहीं आ सकते, तो फिर दिखा दूँगा कहाँ तक आप सकते हो पार्क का।
पहले कभी ऐसा गाड़ी पे उठा है? ऐसा व्हीकल फर्स्ट टाइम? एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑलरेडी आई टोल्ड यू मैं ड्राइव करने के लिए फील आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा, हमारे साथ जो आए थे फ्रेंड एक आदावाड़ी से, तो हम थोड़ा सा आउट ऑफ वे आके उनको छोड़ने जा रहे हैं, तो इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आपका नाम? माय नेम इज सनबलगन। आपका जो यूट्यूब चैनल है क्या चैनल है? सर्चिंग हेवन। सर्चिंग हेवन, तो आप कैसे आए तमिलनाडु से यहाँ तक, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बाय वॉक एंड लिफ्ट चेकिंग। चेकिंग, तो कितने दिन लग गया यहाँ तक आने में? जस्ट 40 डेज। 40-45 डेज। 40-45 डेज। तो ये 45 डेज से बस लिफ्ट लेके यहाँ तक आए हैं और इनका इरादा है टोटली आसाम को एक्सप्लोर करने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।